ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। बारडोली में हजारों आदमी है तो हजारों आकृतियां हैं, एक समान आकृति मिलना मुश्किल है और सबकी एक जैसी आकृति हो जाए तो पहचानी मुश्किल हो जाए, फिर पता ही नहीं चले। किसी के घर में कोई घुस सकता है, पता तो चलता नहीं आकृति समान है। एक प्रकृति की व्यवस्था है कि आकृतियां भिन्न है, इसलिए पहचान होती है। प्रकृति भी भिन्न है, सबकी प्रकृतियाँ भी समान नहीं है। अगर सब मनुष्य समान प्रकृति वाले होते तो फिर प्रवचन की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। सब समान है, सब शांत उपशांत, अपने आप सब ठीक हो जाता है। आकृति की भिन्नता है, प्रकृति की भिन्नता है, इसलिए पहचान हो रही है, आदमी पहचानता है। आकृति के आधार पर पहचान करता है कि ये आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है, और प्रकृति के आधार पर हर कार्य में पहचान करता है, देखता है कि कर्मचारी रखना है तो इसकी प्रकृति कैसी है, शादी संबंध करना है तो इसकी प्रकृति कैसी है, संबंध जोड़ना है तो प्रकृति कैसी है, और किसी के साथ व्यापार धंधा करना है तो देखता है इसकी प्रकृति कैसी है। आदमी प्रकृति की पहचान करता है और फिर संबंध जोड़ता है। दो बातें तो ठीक है, आकृति की भिन्नता प्रकृति की भिन्नता और विवेक पूर्वक संबंध, दोनों की पहचान। कठिनाई तो यह है कि आदमी खुद की पहचान नहीं करता, कैसे करे, खुद को कैसे पहचाने, बहुत जटिल काम है। अपने आप को पहचानना, और समस्या यह है कि खुद की पहचान नहीं हो रही है, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। जितने भी अनुभवी पुरुष हुए हैं, महान साधक अवतार पुरुष हुए हैं, उन्होंने एक संदेश लगभग सब ने दिया कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध सूत्र है, अपदीवो भव, अपदीवो भव, स्वयं दीप बनो और अपने आप को देखो। ज्योति दूसरे के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में रहे, तुम स्वयं दीप बनो। जो मिट्टी के दिए पर भरोसा ज्यादा मत करो, स्वयं को दीप बनाओ और अपने आप को देखो। गीता में भी मिलता आत्मानं विद्धि, आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानो। महावीर की वाणी में है, अपना सत्यमेशिज्जा, अपने आप स्वयं सत्य को देखो और अपनी प्रेक्षा करो। अपनी प्रेक्षा, अपने आप को देखो। जब प्रश्न आया कि अपने आप को देखो, अत्ताणम पश्य, आत्मा को देखो, तो क्या देखें, अपनी पहचान कैसे करें। अपना दिया जलाओ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। पहचानने में सबसे पहले यह देखो
कि मेरे भीतर मूर्छा है या नहीं। अगर मूर्छा है तो मात्रा कितनी है? आसक्ति और मूर्छा एक बात है। हम आसक्ति कहें या मूर्छा कहें, आसक्ति है व्यक्ति को मूर्छा देने वाली, मूर्छित करने वाली, चेतना को विकृत बनाने वाली या चेतना को ढोंकने वाली, खोने वाली है आसक्ति और मूर्छा। सबसे पहले देखना है अपनी मूर्छा को। आसक्ति एक भाव है और उसके आधार पर आदमी का चिंतन चलता है। चिंतन का मूल आधार वह बनता है। धर्म का आधार है जन्म मरण का चक्र। कई जन्म मरण का चक्र चल रहा है और पता नहीं आदमी कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ पैदा होता है, पता नहीं लगता। जब ये जन्म मरण की बात सामने है तो आदमी धर्म की बात सोचता है कि मैं ऐसा काम न करूं जिससे कि अगला जन्म मेरा अच्छा न हो। जिसको ये चिंता नहीं अगले जन्म की, वह तो फिर जो चाहे सो कर सकता है। और एक आस्तिक भी जब काम आसक्ति में ज़्यादा चला जाता है तो उस समय परलोक की बात आँखों से ओझल हो जाती है। सोच ही नहीं पाता कि परलोक भी है, कुछ भी है, पता नहीं लगता उसको। हम इस आसक्ति पर विचार करें। मैं तो मानता हूँ कि ये परलोक नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, पूर्व जन्म भी नहीं है, केवल एक मनुष्य यंत्र की तरह पैदा हो गया और समाप्त हो जाएगा। एक तो यह चिंतन है। दूसरा चिंतन कि पूर्व जन्म भी है और भावी जन्म भी है, आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, एक ये चिंतन। दोनों चिंतनों के पीछे दो कारण मुख्य लगते हैं। एक कारण तो यह है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव। जिन व्यक्तियों के पास केवल इंद्रिय चेतना का ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उनके मन में यह परजन्म नहीं है, आत्मा नहीं है, यह भाव आना स्वाभाविक है, हो सकता है। क्योंकि जो ये विश्वास करते हैं कि आंखों देखा सच, में आंखों देखे सच पर विश्वास करता हूँ, और आत्मा, परमात्मा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, ये आंखों देखा सत्य नहीं है, केवल पढ़ा हुआ सुना हुआ सत्य है, इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता। एक कारण यह हो सकता है नास्तिकवाद के पनपने में और सच्चाई के अस्वीकार का एक बड़ा कारण है प्रत्यक्ष दर्शन का अभाव। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया उनके मन में कोई संदेह नहीं होता, संदेह समाप्त हो जाता है। इंद्रभूति गणधर, जो भगवान महावीर के ज्येष्ठ गणधर थे, इस संदेह में थे कि आत्मा है या नहीं। बड़े बड़े विद्वान भी संदेह में चले जाते हैं, कारण कि ये प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। हमारी आँख, कान, नाक, जीव, स्पर्श, पांच इंद्रियां, इनको पता नहीं लगता कि पहले भी मैं था और आगे भी होऊंगा, पता नहीं लगता, क्यों? उनकी सीमा नहीं है, उनकी सीमा बहुत छोटी है, वे बहुत थोड़ा ज्ञान कर सकती हैं। आँख देख सकती है पर कितना, कि थोड़ी दूर पर, और अगर भीत आड़ी आ गई तो बहुत थोड़ी दूर पर, भीत से परे क्या नहीं देख पाता। सड़क सामने है, सड़क से वाहन जा रहे हैं, साइकिलें जा रही है, बहुत कुछ जा रही हैं, इधर मैं देख सकता हूँ, उधर देख सकता हूँ, बीच में नहीं देख सकता, क्योंकि बीच में पर्दा है, पर्दे से परे हम नहीं देख सकते, हमारी आँख की सीमा है, इंद्रियों की सीमा है। तो इंद्रियों से हम न अपने अतीत को जान सकते और न अपने भविष्य को जान सकते, कुछ भी नहीं हो सकता।
तो हमारी इंद्रियों की ज्ञान की सीमा है, इसलिए इन अतीन्द्रिय पदार्थों के प्रति संदेह होना अस्वाभाविक नहीं है। आत्मा अतीन्द्रिय है, इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता, अतीन्द्रिय चेतना के द्वारा जाना जा सकता है। वह ज्ञान है नहीं तब संदेह हो सकता है। एक कारण नास्तिकता का या आत्मा के अस्वीकार का एक कारण है। दूसरा कारण है मूर्छा, आसक्ति। जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं, पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और कर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म का बंद होता है, और कर्म फल में भी विश्वास करते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा, बुरे कर्म का फल बुरा होगा, ये सारे विश्वास करते हैं। पर मूर्छा इतनी सघन हो गई कि सारे विश्वास पर पर्दा डाल देती है, उसका जो दृष्टिकोण है उसको ढक देती है। जानता हुआ भी आदमी अनजान बन जाता है। एक वह है जो जानता नहीं है, और एक वह होता है जो जानता हुआ भी नहीं जानता, पर्दा डाल देता है। यह दूसरा कारण है कि आदमी सत्य की उपेक्षा कर देता है। आत्मा पुनर्जन्म को स्वीकार करता हुआ भी व्यवहार काल में, आचरण काल में आत्मा को, परमात्मा को, कर्म को, कर्म फल को, सबको भुला देता है। कारण अति मूर्छा, आसक्ति, आसक्ति के कारण। तो हमें सबसे पहले आसक्ति पर विचार करना चाहिए। आसक्ति कम कैसे हो? जब धनार्जन का प्रश्न है, सुविधाओं के अर्जन का प्रश्न है, संचय का प्रश्न है, वहाँ आसक्ति इतनी गहरी होती है कि जानता हुआ भी आदमी अनजान बन जाता है। एक प्रसंग ऐसा है, एक साहूकार अपनी दुकान पर बैठा था और अनाज का धंधा, बहुत बड़ा अनाज का धंधा, ढेर लगे हुए थे, दुकान भी बहुत बड़ी, जिसके भीतर बड़ा अवकाश था, गोडाउन और जो अनाज भरा हुआ था, काम कर रहा था। अचानक एक बकरा आए, बकरे को देखा और उसने हटा दिया। बकरा थोड़ी दूर गया, वापस आ गया, फिर हटाया। दो तीन बार ऐसा किया होगा, ज़्यादा भी किया होगा कि हटाता है, वापस आ जाता है। अब जब ऐसा हो तो आदमी को गुस्सा आना भी अस्वाभाविक नहीं है। क्रोध आ गया, क्रोध में तमतमा उठा, हाथ में लाठी ली और बकरे को पीटना शुरू किया। अब दूर तक पीटा पीटा ले गया और इतना पीटा कि बकरे का काम भी शेष हो गया। जब आदमी आवेश में होता है, क्रूरता में होता है, फिर भान नहीं रहता कि क्या करना चाहिए। बकरा मर गया, अब शांति से बैठा और उसने देखा कि वह जो कर रहा था, एक कोई सन्यासी खड़ा है, वह हंस रहा है। उसने सोचा कि ये क्यों हंस रहा है, मैं जो कर रहा हूँ ये हंस क्यों रहा है, क्या कारण है? कभी कभी हंसना भी समस्या पैदा कर देता है, रोना भी समस्या है, हंसना भी समस्या है, छींक लेना भी समस्या है, ये सारी समस्या, खांसी लेना भी समस्या है, समस्या पैदा कर देती है। एक चोर को न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया, उसने, न्यायाधीश ने पूछा, बोलो तुम्हारा क्या अपराध है? हुजूर छींक आ गई, ये अपराध है मेरा, मैं चोरी करने गया था, उस समय मुझे छींक आ गई और पहरेदार जाग गया और मुझे पकड़ लिया। अगर छींक नहीं आती तो मेरा कोई अपराध नहीं है। सब अपराध ये छींक, सारी समस्याएं बनते हैं। छू अंगवा, जम्भाई अंगवा, उबासी लेना भी समस्या बनता है।
तो ये सारी समस्याएं हैं। हंसना भी समस्या, तो उसने देखा कि ये हंस क्यों रहा है, क्या कारण है, हंसी का कारण क्या है। उसके पास गया और बोला, भाई तू हंस क्यों रहा हो, महाराज आप क्यों हंस रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा था, आप मजाक करें मेरी, हंस क्यों रहे हैं। बोला कि मत पूछो, नहीं पूछना अच्छा है, पूछो मत, और नहीं पूछो कहे तब तो और पूछने की भाव आ जाती है, जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि नहीं आपको बताना पड़ेगा कि आप हंस क्यों रही हैं, क्यों हंस रही हैं। सन्यासी बोला, नहीं पूछो तब ये अच्छा है, और आग्रह कर लिया कि नहीं आपको बताना ही पड़ेगा आप तो। तब बोला कि जिस बकरे को तुमने मारा कौन है वे पता है तुम्हें, कि मुझे क्या पता बकरा है, कि बकरा नहीं है तेरा बाप है, और जहाँ जिस आसन पर आज तुम बैठे हो इसी आसन पर बैठने वाला था, किंतु उसने कभी आसक्ति को छोड़ा नहीं, आसक्ति को बढ़ाता गया, मूर्छा को बढ़ाता गया, और मूर्छा के कारण आचार का अतिक्रमण भी करता गया, अनैतिक आचरण करता गया, और उसका परिणाम यह है कि मरकर वह बकरा हो गया है। और दुकान परिचित थी उसको भी, जब परिचित थी तो वह आना चाहता था और हो सकता है इसी गद्दी पर बैठना चाहता था, तुम बड़े सुपुत्र हो, तुमने उसका काया कल्प कर दी। जब यह सुना एकदम दंग रह गया, मेरा पिता का तुम्हारा पिता, और वही मरकर के बकरा हुआ है, और आसक्ति छूटी नहीं इस दुकान से, अभी भी आसक्ति काम कर रही है, और उस आसक्ति के कारण बार बार यहाँ आ रहा था और इसके साथ जमना चाहता था, अब तुमने उसको तमाम कर दी। आसक्ति का बंधन इतना तीव्र होता है कि केवल वर्तमान जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्मों तक चला जाता है। तो जब आसक्ति प्रबल होती है आदमी का चिंतन सारा बदल जाता है। मैं तो मानता हूँ आसक्ति के क्षणों में एक नास्तिक और एक आस्तिक में कोई भेद मुझे नहीं लगता, भेद रेखा कहाँ खींची जाए। जब मूर्छा प्रबल होती है, आसक्ति प्रबल होती है, उस समय वही काम आत्मा परमात्मा धर्म कर्म फल सबको मानने वाला वही काम कर लेता है। और इसका साफ प्रमाण है, आज बाजार में जाकर देखें हम कहाँ भेद रेखा खींचे, कि यह तो एक आस्तिक की दुकान है और यह एक नास्तिक की दुकान है, यह तो धर्म को मानने वाले की दुकान है और यह न मानने वाले की दुकान, दोनों में समान चल रहा है, धंधा समान चल रहा है, जो चल रहा है अनैतिकता का चक्र दोनों में समान चल रहा है, हम भेद रेखा कहाँ खींचे। इस सारी चर्चा के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, और वह यह है कि अगर आप धर्म के मर्म को समझना चाहते हैं तो आसक्ति के चक्र पर प्रहार करें, मूर्छा को कम करने का अभ्यास करें। धर्म का सारा सार इसमें है कि मूर्छा कम है तो जीवन में धर्म होगा, है मूर्छा अधिक है तो धर्म नहीं होगा। अहंकार, लोभ, भय, घृणा, अति काम वासना, ये सब मूर्छा पैदा करने वाली है और अपने अस्तित्व की विस्मृति कराने वाली है। इनको कम करना है, मूर्छा को कम करना है और जागरूकता का जीवन जीना है। इतनी सी बात समझ में आए तो शायद धर्म की कुंजी आपके हाथ में आ गई, और जिसके हाथ में कुंजी होती है वह तपाक से ताला खोल सकता है, कमाड़ खुल जाएगा, भीतर जा सकता है, और जिसके हाथ में कुंजी नहीं है वह बाहर खड़ा रहता है, भीतर नहीं जा सकता। इसलिए इस साधना का प्रयोग करें कि मूर्छा कम कैसे हो, और मूर्छा को कम करने का एक शक्तिशाली प्रयोग है ध्यान। ध्यान, मैं तो मानता हूँ जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता वह बहुत सारी सच्चाइयों को समझ नहीं पाता, आँख मूंद कर चलता है, समझ नहीं पाता।
जहाँ अच्छा है आँख मूंद लेता है। कहानी लंबी है, कहानी में नहीं जाना, सारांश इतना है कि परीक्षा चल रही थी, परीक्षा के भाग्य किसका अच्छा है, तो जिसका भाग्य अच्छा नहीं था, एक देव ने रत्नों का ढेर लगा दिया, सारे रत्नी रत्न ढेर लगा दिया रास्ते पर। अब जिसका भाग्य अच्छा नहीं था, दोनों जा रहे थे पति पत्नी, जैसे ही निकट पहुंचे और पति बोला कि देखो आज तो अपनी आंखें अच्छी हैं, हम मजे से चल रहे, बुढ़ापा आएगा और आंखें अच्छी नहीं रहेगी, काम नहीं चलेगा तो कैसे चलेंगे। पति ने कहा परीक्षा कर लो, अभी आंख मूंद कर चलो, कैसे चलेंगे। दोनों आंख मूंद कर चले, रत्नों का ढेर तो अलग रह गया, दूसरा रास्ता आसपास का ले लिया, देख भी नहीं पाए, आगे चले गए। तो जो व्यक्ति मूर्छा में होते हैं वे आंख मूंद कर जीवन जीते हैं, खुली आंख का जीवन नहीं जीते, सच्चाइयों को देख नहीं पाते और इसलिए गलत आचार गलत व्यवहार उनसे होता रहता है। इसलिए हम एक प्रयत्न करें, साधना करें कि मूर्छा कम कैसे हो, मूर्छा के चक्र को कैसे तोड़ सकें। और ध्यान के द्वारा आदमी तोड़ सकता है, सच्चाइयों को समझ सकता है। जो खुली आँख से सच्चाई नहीं दिखाई देती, वह ध्यान की मुद्रा में बंद आँख से सच्चाई दिखाई दे जाती है और उसके हम समझ सकते हैं। इसलिए आप अगर धर्म को वास्तव में समझना चाहें तो केवल खुली आँख से न रहें, आधा घंटा घंटा आँख को बंद कर और कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठकर अपने भीतर देखने का अभ्यास करें। मूर्छा का चक्र टूटेगा, मूर्छा कम होगी, आसक्ति कम होगी और एक सच्चाई का जीवन जीने का आपको अवसर मिलेगा। ओम भारत।